ये मेरे हाथ में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नोटिफिकेशन है 19 मई का, जिसमें 2000 की नोट बदलने के लिए पूरा एक डिटेल आया हुआ। इस नोटिफिकेशन में आरबीआई ने खुद ही कहा है कि 31 मार्च 2018 को 2000 की नोट की जो टोटल सर्कुलेशन थी वो 6,73,000 करोड़ था। ध्यान से समझिए, 31 मार्च 2018 को 2000 की नोट जो सर्कुलेशन में थी उसकी टोटल वैल्यू 6,73,000 करोड़ थी, और 31 मार्च 2023 को जो 2000 की नोट सर्कुलेशन में है उसकी टोटल वैल्यू 3,62,000 करोड़ है। यानी 3,11,000 करोड़ रुपए की 2000 की नोट गायब हो गई है। 2018 से 2023 यानी 5 साल के अंदर 2000 की नोट जो गायब हो गई है, जो तहखानों में पहुंच गई है, उसकी टोटल वैल्यू 3,11,000 करोड़ है। यह 3,11,000 करोड़ आम जनता का नहीं है। आम जनता का पैसा तो लगातार सर्कुलेशन में रहता है, वो चलता रहता है, घूमता रहता है। यह पैसा अलगाववादियों का है, यह पैसा माओवादियों का है। यह जो 3,11,000 करोड़ रुपए गायब हुआ है, यह पैसा नक्सलियों का है, जिहादियों का है, धर्मांतरण कराने वाली मिशनरियों का है, यह पैसा पत्थरबाजों का है, यह पैसा घूसखोरों का है, यह पैसा जमाखोरों का है। यह जो 3,11,000 करोड़ गायब हुआ है, जो सर्कुलेशन से बाहर हो गया है, यह जमाखोरों का है, मिलावटखोरों का है, कालाबाजारियों का है, नशा तस्करों का है, मानव तस्करों का है, सोना तस्करों का है। यह जो 3,11,000 करोड़ गायब हुआ है, यह भू माफियाओं का है, ये खनन माफियाओं का है, ये अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे माफिया डॉन का पैसा है। ये पैसा जो किडनैपिंग करते हैं उससे जो पैसा कमाते हैं उनका पैसा है। तो सवाल ये बनता है कि जब हम अपराध खत्म करने के लिए और भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए इतने सारे कानून बना रखे हैं, भ्रष्टाचार अपराध खत्म करने के लिए हमने सीबीआई बना रखा है, सीआईडी बना रखा है, पुलिस बना रखा है, एलआईयू बना रखा है, ईडी बना रखा है, काला धन पकड़ने के लिए ईडी छापा मार रहा है, ऐसे में आरबीआई को यह स्कीम लाने की क्या जरूरत है कि नहीं आप सीधे जाओ बैंक में और कागज भी नहीं दिखाना और अपना पैसा बदल लो। पर डे की कोई लिमिट भी नहीं है। जो अखबारों में निकला था ना कि पर डे 20,000 रुपए, वो गलत है। ये मेरे हाथ में आरबीआई का नोटिफिकेशन है, इसमें पर डे की लिमिट कहीं दी नहीं है। इसमें लिखा है कि एक बार में 20,000 रुपए। अब आप सोचिए, जो नक्सली एरिया है, जो माओवादी एरिया है, जहां पे बैंक एम्प्लाई खुद ही इतने खौफ में रहते हैं, डर के मारे रहते हैं, वहां अगर नक्सली आएगा 10 करोड़ रुपए लेके या 20 करोड़ रुपए लेके, किसी बैंक के मैनेजर कितनी हिम्मत है उसको मना कर सके? पहले तो कम से कम यह था कि भाई वो कह देता भाई मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं, आपको खाते में ही जमा करना पड़ेगा। अभी तो नक्सली आएंगे, माओवादी आएंगे और बंदूक रख देंगे बैंक मैनेजर के, बोले चल बदल इसको। अभी जो जितने तिहाड़ में बंद बड़े बड़े जो माफिया डॉन है, गैंगस्टर है, उनके गुर्गे जाएंगे बैंक मैनेजर को, बता देंगे कि फलाने डॉन का पैसा है ये, बदलो नहीं तो तुम किडनैप कर लिए जाएंगे। क्या होगा फिर? मुख्तार अंसारी जैसे लोग, अतीक अहमद जैसे लोग, किसी बैंक जब अगर इनका कोई गुर्गा जाएगा बैंक मैनेजर को बताएगा कि 5 करोड़ बदलना है, 10 करोड़ बदलना है, उसकी हिम्मत है क्या बैंक इंप्लाई को उसको मना कर सके? मुझे समझ में नहीं आता ये मनमाना तरीका क्या है। ये काला धन को पकड़ने के लिए स्कीम आई है या काला धन को सफेद बनाने के लिए स्कीम आई है? पहले भी काला धन को सफेद बनाने की स्कीम आती थी, उसमें यह था कि भाई जितना आप डिक्लेयर करोगे ब्लैक मनी उसका 50% आपको सरकारी खजाने में जमा करना पड़ेगा। यह तो पहली बार ऐसी स्कीम आई है जिसमें आपको 1 रुपया सरकारी खजाने नहीं जमा करना है, कोई कागज नहीं दिखाना है, कहीं एंट्री नहीं होनी है, बैंक खाते में जमा नहीं करना, कैश लेके जाओ, कैश लेके आओ। यह भारत के इतिहास में पहली बार हो रहा है जहां बैंक में आपको जाके दो दो पैसा देना है, उसके बदले पैसा लेना है और कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिखाना है। यह पहली बार हो रहा है, आज तक कभी नहीं हुआ, मेरी नॉलेज में तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं
कि आप बैंक जाओ और बिना कोई कागज दिखाए पैसा दो और पुराना पैसा दो नया पैसा ले लो। और आश्चर्य की बात है कि भारत में टोटल लगभग 5000 के आसपास सांसद विधायक हैं, एक भी सांसद विधायक ये मांग नहीं कर रहा है कि नहीं ये गलत हो रहा है, पैसा खाते में ही जमा होना चाहिए। इतने नेता अभिनेता ईमानदारी की बात करते हैं, पत्रकार कलमकार ईमानदारी की बात करते हैं, लेखक बुद्धिजीवी बड़े ईमानदार बनते, कोई भी ये मांग नहीं कर रहा है कि नहीं ये गलत हो रहा है। ये सारा का सारा जो 3,11,000 करोड़ सर्कुलेशन से बाहर हुआ, ये सारा व्हाइट हो जाएगा। फायदा क्या हुआ ईडी को छापा मारने का? ईडी तो 20 करोड़ पकड़ती है, 30 करोड़ पकड़ती है, 50 करोड़ पकड़ती है। यहां 3,11,000 करोड़ साफ साफ आरबीआई खुद ही कह रहा है ये पैसा सर्कुलेशन से बाहर है, ये डंप हो चुका है, ये तहखानों में जमा हुआ पैसा है। तो जब तहखानों में जमा हुआ पैसा है, ये आरबीआई को भी पता है, सांसदों विधायकों को भी पता है, मंत्रियों को भी पता है, सबको पता है, तो ये बात क्यों नहीं हो रही कि भाई ठीक है फिर एक भी रुपया सीधे सीधे नहीं बदली होगी, 100% आपको बैंक में जमा करना पड़ेगा। और सबके पास खाता है, गरीब से गरीब आदमी के पास बैंक खाता खुल चुका है, 48 करोड़ जनधन खाते हैं भारत में। इसका मतलब 48 करोड़ जो बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग हैं उनका हुआ बैंक से जुड़े हुए हैं, यानी आदिवासी दलित ट्राइबल सब आप बैंक से जुड़े हुए हैं। हालांकि आदिवासियों के पास जो एकदम ट्राइबल एरिया में रहते हैं उनके पास 2000 की नोट होती नहीं है, और बाय द वे अगर है भी तो जनधन खाता है उनका, वो भी जाके बैंक में जमा कर लेंगे। कुल 225 करोड़ खाते भारत में चल रहे हैं इस समय, 225 करोड़ अगर आप पीपीएफ अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अमाउंट, पोस्ट ऑफिस की जो डिपॉजिट स्कीम है, जो खाता होता है वो स्कीम, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, जनधन अकाउंट, सारा खाता जोड़ दीजिए तो 225 करोड़ खाते हैं। जब 225 करोड़ खाते हैं तो पैसा फिर खाते में क्यों नहीं जमा किया जा रहा, यह सवाल न तो आश्चर्य की बात है, न कोई आरबीआई के गवर्नर से पूछ रहा है, ना आरबीआई के गवर्नर इसका जवाब दे रहे हैं कि भैया ऐसा क्या मजबूरी है कि आप अकाउंट में पैसा नहीं जमा करवा रहे हैं, बल्कि बाहर कह रहे हैं कि आओ, कागज भी नहीं दिखाना, एंट्री भी नहीं होना, कोई स्लिप भी नहीं भरना, कोई डॉक्यूमेंट प्रूफ भी नहीं देना और जब वापस ले लो। डॉक्यूमेंट प्रूफ पिछली बार मांगा था 2016 में, इसके बाद भी सारा ब्लैक मनी व्हाइट हो गया। क्यों? क्योंकि 1,000 रुपए में आधार बनता है, मात्र 1,000 रुपए में। कॉमन सर्विस सेंटर पे जाइए, 1,000 रुपए दीजिए, आपका आधार तुरंत तैयार हो जाए। फर्जी आधार बनाने, फर्जी राशन कार्ड बनाने का पूरा रैकेट है, 1,000-1,000 रुपए में बन जाता है, 2,000 रुपए में बन जाता है। पिछली बार खाते में जमा कराया था तो मनरेगा के खाते में पैसा गया था, मजदूरों के खाते में पैसा गया था। पिछली बार भी ब्लैक मनी व्हाइट हुई थी, लेकिन कम से कम जब मजदूरों के खाते में पैसा गया था, मनरेगा के खाते में पैसा गया था, तो उन मजदूरों को 20% मिला था। इस बार तो वो स्कीम में नहीं है। पहले ब्लैक मनी को व्हाइट करने की स्कीम आती थी, 50% खजाने में जमा करो, 50% ले जाओ, इस बार वो भी नहीं है। पिछली बार आया था भाई ठीक है खाते में पैसा जमा करेंगे, तो लोगों ने क्या किया कि जो बड़े बड़े मालिक थे उन्होंने अपने जो कारखाने में काम करने वाले जितने लेबर थे उनके खाते में जमा कराया, गांव के जो प्रधान थे, पंचायत प्रमुख थे या विधायक थे, सांसद थे, उन्होंने मनरेगा जो वर्कर उनके खाते में जमा कराया। लेकिन इसी बहाने कम से कम मनरेगा मजदूरों को पता तो चला कि जिस प्रधान को ईमानदार समझते थे वो तो उसके पास तो करोड़ों रुपए है। जब खाते में जमा हुआ तो मजदूरों को, रिक्शा चालकों को, बाकी लोगों को पता तो चला कि भैया जिसको हम ईमानदार समझते थे तो बहुत बड़ा काला कुबेर है ये, तो अब की बार तो कुछ होना ही नहीं है। मुझे लगता है कि इसके खिलाफ आप सबको आवाज उठाना चाहिए, दल हिस्से ऊपर उठ के आवाज उठाइए, नहीं तो ये देखते देखते 3,11,000 करोड़ सीधे सीधे सफेद हो जाएगा। और ये स्कीम मुझे लगता है कि पूरी तरीके से ब्लैक मनी को व्हाइट करने के लिए ही बैंक ने, आरबीआई ने इसको गाइडलाइन इशू किया। ये लगता है गोल्डन अपॉर्चुनिटी है घुसखोरों के लिए, जमाखोरों के लिए, मिलावटखोरों के लिए, कालाबाजारियों के लिए। ये जो नोटिफिकेशन आया है इससे गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है माओवादियों को, जिहादियों को, कट्टरपंथियों को, पत्थरबाजों को कि अपना सारा पैसा वो लाके व्हाइट कर ले। ईडी मारती है छापा, पत्थरबाजों के लिए पैसा आया है पता चला है, बाहर से पैसा आता है, खाड़ी देशों से आता है, हवाला के जरिए आता है, सारा का सारा पैसा सफेद हो जाएगा।
क्या फायदा हुआ इस पूरे एक्सरसाइज का 2000 के नोट का? आप मेरी बात से सहमत हैं? इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा।